मैंने लास्ट टाइम में आपको कोम टेस्ट बताया था, और आज मैं आपको कोम टेस्ट के बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कोम टेस्ट होता क्यों है, क्यों कराया जाता है, इसमें ऐसे क्या चीज़ें फाइंड आउट की जाती है, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको कोम टेस्ट के अंतर्गत बताया था। और ये भी मैंने बताया था कि कोम टेस्ट दो तरह से होता है, एक इनडायरेक्ट कोम टेस्ट होता है और एक डायरेक्ट कोम टेस्ट होता है। तो आज बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये इनडायरेक्ट कोम टेस्ट कैसे करते हैं, हाउ टू परफॉर्म लैब में। क्योंकि देखिए दो चीज़ें होती है, एक तो होता है कि किसी भी टेस्ट के बारे में आपको पता होना कि वो टेस्ट क्या है, दूसरी चीज़ वो होती है कि आपको उस टेस्ट को परफॉर्म करने आना चाहिए, कैसे टेस्ट लगाते हैं। तो मैं आज इस लेक्चर्स में आपको बेसिकली ये बताऊँगा कि कोम टेस्ट करते कैसे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बेसिकली आपको हमेशा से बताते आया हूँ कि मैं बेसिकली कोशिश करता हूँ कि एज इट इज़ एज क्लास लेक्चर्स दे, जैसे कि आप क्लास में पढ़ रहे हो, और उसके लिए बहुत सारे हमारे वर्क चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको हम लाइव क्लासेस में भी मिलने वाले हैं, जहाँ पे आप सीधा सीधा हमसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और सीधे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। दैट मीन्स कमेंट करके नहीं, सीधा कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आपको जल्दी मेंबरशिप क्लासेस हम अवेलेबल कराते हैं, जहाँ पे आपको सीधा फेस टू फेस बात करने का मौका मिलेगा। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको एज इट इज़ एज लेक्चर दूँ, जैसे क्लास में देता हूँ, जो चीज़ें क्लास में आपको बताई जाती हैं और उसी बेस पे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जब आप कोई प्रैक्टिकल करने जाते हैं लैब में, प्रैक्टिकल्स करने जाते हैं कॉलेज के दौरान, तो प्रैक्टिकल्स करने के बाद आपको एक प्रैक्टिकल्स बुक बनानी पड़ती है, प्रैक्टिकल्स नोट बनाने पड़ते हैं, जिसे आप प्रैक्टिकल्स फाइल कहते हैं। तो उसमें किस बेस पे लिखना है, कैसे लिखना है और ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा, बहुत ध्यान से देखते चलिएगा। देखिए जब आप कोई भी प्रैक्टिकल्स करने जाते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है, दैट मीन्स एक एम होता है। आप जब फाइल में लिखते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है एम। एम का मतलब है उद्देश्य, क्या करने जा रहे हैं। जब आपको नोट्स बनाना होता है तो सबसे पहले एम लिखना होता है आपको नोट्स में, क्या लिखना होता है, एम। तो एम का मतलब होता है उद्देश्य, ठीक है, एम। तो अब एम क्या, एम का मतलब आप क्या करने जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम इनडायरेक्ट कोम टेस्ट परफॉर्म करने जाते हैं जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे एम में परफॉर्म इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट, दिस इज द एम्स। एम होगा, उद्देश्य हुआ कि हम क्या करने जा रहे हैं, कोम टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल फाइल में सबसे पहले एम लिखना होता है, तो एम लिखेंगे। दूसरा वर्ड होता है समरी, क्या होता है, समरी। समरी का मतलब है कि जो टेस्ट करने जा रहे हैं वो है क्या या क्यों किया जा रहा है, बेसिक समरी में यही एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, क्या कि वो टेस्ट जो करने आप जा रहे हैं वो टेस्ट है क्या या वो टेस्ट किया क्यों जाता है। तो बेसिकली जो कूम्स इनडायरेक्ट टेस्ट है वो क्यों किया जाता है, तो दिस टेस्ट इज परफॉर्म फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटी डी, दैट मीन्स एंटीबॉडी डी इन पेशेंट सीरम। कूम टेस्ट जो होता है वो पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी डी या अन्य एंटीबॉडी को फाइंड आउट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि जो कूम्स इनडायरेक्ट टेस्ट होता है, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट होता है, वो बेसिकली पेशेंट के सीरम से एंटीबॉडी डी या अन्य एंटीबॉडी को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। और किसी भी व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडी डी कब डेवलप होता है, तो बेसिकली एंटीबॉडी डी आरएच निगेटिव पेशेंट में डेवलप होता है। और किस किस कंडीशन में डेवलप होता है, अगर पहला कंडीशन होता है ट्रांसफ्यूजन ऑफ आरएच पॉजिटिव ब्लड इन आरएच निगेटिव पेशेंट। अगर कोई व्यक्ति आरएच निगेटिव है, दैट मीन्स निगेटिव ब्लड ग्रुप का है, और उसे आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दे दिया जाए, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट के सीरम में, पेशेंट के ब्लड में एंटीबॉडी डी डेवलप हो जाता है, तो पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन होता है प्रेगनेंसी इफ फीटस इज आरएच पॉजिटिव। अगर कोई फीमेल्स जो आरएच निगेटिव है वो प्रेगनेंट है और उसका जो फीटस है, जो उसको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, अगर वो पॉजिटिव होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, उसके अंदर आरएच एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। तीसरा कंडीशन होता है एबॉर्शंस ऑफ आरएच पॉजिटिव इन्फेंट्स, दैट मीन्स अगर कोई फीमेल्स आरएच पॉजिटिव फीटस से प्रेग्नेंट है और वो एबॉर्ट्स कर जाती है, तो ऐसे कंडीशन में भी आरएच एंटीबॉडी डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो ये हुआ इनडायरेक्ट कोम टेस्ट का समरी। तो क्यों करते हैं वो आपको समझ में आएगा कि ये टेस्ट बेसिकली पेशेंट के सीरम से एंटीबॉडी डी फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। अगला चलते हैं, अगले की बात करते हैं, नेक्स्ट बात होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब है कि जो टेस्ट आप करने जा रहे हैं वो टेस्ट किस सिद्धांत पे काम करेगा, उसमें क्या ऐसे रिएक्शंस होंगे। तो बेसिकली अगर हम कोम टेस्ट की प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल्स की बात करें, तो ये
एग्लूटिनेशन प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे? एग्लूटिनेशन पे, एग्लूटिनेशन प्रिंसिपल पे। दैट मीन्स जो ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे हम, वो बेसिकली एग्लूटिनेशन प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है। दैट मीन्स इसमें हमें एग्लूटिनेशन को देखना होता है, एग्लूटिनेशन जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और एग्लूटिनेशन बेसिकली एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बेसिकली जो इसका प्रिंसिपल होता है वो एग्लूटिनेशन बेस्ड होता है। जो ये कूम टेस्ट होता है वो एग्लूटिनेशन बेस्ड पे काम करता है। आगे चलते हैं स्पेसिमेन। स्पेसिमेन में क्या चाहिए होता है? स्पेसिमेन का मतलब होता है सैंपल। जब क्योंकि आप इनडायरेक्ट कूम टेस्ट कर रहे हैं तो कोई भी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए पहले सैंपल की जरूरत होता है, स्पेसिमेन की जरूरत है। तो स्पेसिमेन में हमें कहिए पेशेंट सीरम। क्या चाहिए? पेशेंट सीरम। स्पेसिमेन में क्या चाहिए? स्पेसिमेन में चाहिए हमें पेशेंट सीरम। दैट मीन्स पेशेंट का सीरम चाहिए। ये स्पेसिमेन हो गया। आगे नेक्स्ट बात करते हैं रिक्वायरमेंट। जब आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे, चलिए आगे बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। तो रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि आपको किन किन इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट, कौन कौन से रिएजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो रिक्वायरमेंट में बेसिकली क्या क्या ज़रूरत होगी, अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात कर लें तो रिक्वायरमेंट्स में आपको क्या ज़रूरत होगी? रिक्वायरमेंट में आपको सेंट्रीफ्यूज की ज़रूरत है, सेंट्रीफ्यूज, इनक्यूबेटर। ये आप एज इट इज फाइल में भी लिख सकते हैं, दैट्स नो प्रॉब्लम। आप सेम फाइल में लिखेंगे, फाइल में जिस तरह से मैं लिखते जा रहा हूँ इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे, तो आपको आप देखेंगे कि आपकी जो फाइल नोट्स है वो बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। तो रिक्वायरमेंट में सेंट्रीफ्यूज चाहिए, इनक्यूबेटर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए। अब ओ पॉजिटिव ब्लड भी चाहिए होगा, और एंटी ह्यूमन सीरम, इसी को कूम्स सीरम भी कहते हैं। कूम्स सीरम, ये कूम्स सीरम क्या होता है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, या मेरी लाइव क्लासेस होती है मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये कूम्स सीरम क्या होता है या एंटी ह्यूमन सीरम्स क्या होता है? तो बेसिकली एक रिएजेंट्स के बेस पे यूज किया जाता है एंटी ह्यूमन सीरम। ठीक है, तो इसको कैसे बनाया जाता है ये मैं कभी फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर मैं आपको लाइव क्लासेस में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एंटी ह्यूमन सीरम चाहिए होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक ड्रॉपर चाहिए होता है, ड्रॉपर चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए इन इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, सेंट्रीफ्यूज की जरूरत पड़ेगी, इनक्यूबेटर की जरूरत पड़ेगी, टेस्ट ट्यूब की जरूरत पड़ेगी, ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए होगा आपको, एंटी ह्यूमन सीरम चाहिए होगा, ड्रॉपर चाहिए होगा। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रिक्वायरमेंट के बाद प्रोसीजर आता है। प्रोसीजर का मतलब है कि आप टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्या अब आप टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। टेस्ट परफॉर्म कैसे करना वो देख लीजिए आप। चलिए, टेस्ट परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। अब मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, एम बता दिया, समरी बता दिया, प्रिंसिपल बता दिया, स्पेसिमेन बता दिया, रिक्वायरमेंट बता दिया। अब आपको प्रोसीजर करना है, टेस्ट परफॉर्म करना है। टेस्ट परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। टेक अ टेस्ट ट्यूब। कूम टेस्ट कैसे करते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, मीडियम साइज की ले लेंगे टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद इस पर टी लिख देंगे। टी का मतलब होता है टेस्ट, क्योंकि जब हम कोई टेस्ट करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए कंट्रोल, पॉजिटिव कंट्रोल और निगेटिव कंट्रोल भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पॉजिटिव कंट्रोल और निगेटिव कंट्रोल। तो मैं यहाँ आपको टेस्ट लगाने बता रहा हूँ, मैं आपको पॉजिटिव कंट्रोल क्या होता है, निगेटिव कंट्रोल क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा आगे चल के, नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं बेसिकली टेस्ट की बात कर रहा हूँ, इसलिए इस पर टी लिख रहा हूँ। पॉजिटिव कंट्रोल और निगेटिव कंट्रोल से टेस्ट की वैलिडेशंस की जाती है कि टेस्ट एक्यूरेट है या नहीं है, या जो हमने प्रोसीजर लगा किया है, जो हमने रिएजेंट यूज किए हैं वो बिल्कुल वैलिड थे या नहीं थे, स्टेबल्स थे या नहीं थे। ये सब चीज़ें पता करने के लिए हम क्वालिटी टेस्ट लगाते हैं, दैट मीन्स कंट्रोल लगाते हैं, पॉजिटिव कंट्रोल और निगेटिव कंट्रोल। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको सिर्फ टेस्ट लगाने बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप पेशेंट को रिपोर्ट देते हैं तो सिर्फ टेस्ट लगाते हैं, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल लगाना भी ज़रूरी होता है। क्वालिटी कंट्रोल से आपको टेस्ट की एक्यूरेसी पता चलती है। तो टेस्ट क्वालिटी कंट्रोल कैसे लगेगा, क्या होगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे टेस्ट की बात करने वाला हूँ। तो चलिए देखिए, तो एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, ठीक है, और उस पर टी मार्क कर सकते हैं एज ए टेस्ट अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, इसमें एक ड्रॉप, ध्यान दीजिएगा, एक ड्रॉप सेल सस्पेंशन ऐड करना है। किसका? सेल सस्पेंशन, सेल सस्पेंशन सन ऑफ ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप।
वो पॉजिटिव ब्लड। अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि प्रोसीजर के लिए सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, टेस्ट ट्यूब में एक ड्रॉप, एड वन ड्रॉप, वन ड्रॉप सेल सस्पेंशन ऑफ ओ पॉजिटिव ब्लड। अब आपको क्या करना, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेना, टेस्ट ट्यूब में एक ड्रॉप ओ ब्लड, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का सेल सस्पेंशन डालना है। अभी मैंने आपको रिक्वायरमेंट में बताया था कि आपको रिक्वायरमेंट में क्या चाहिए, ब्लड चाहिए ओ पॉजिटिव ब्लड। अब ओ पॉजिटिव ब्लड ले लेंगे और ब्लड लेने के बाद उसका सेल सस्पेंशन बना लेंगे, क्या कर लेंगे, सेल सस्पेंशन बना लेंगे। अब सेल सस्पेंशन कैसे बनाना होता है ओ ब्लड ग्रुप का, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि किसी भी ब्लड का सेल सस्पेंशन कैसे बनाया जाता है। तो आप किसी पेशेंट, कोई भी पेशेंट हो जिसका ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, उसका ब्लड ले आइए और उसका सस्पेंशन बना के रख लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। सस्पेंशन बना के रखने के बाद सबसे पहले क्या करना है, आपको एक ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब में एक ड्रॉप ओ पॉजिटिव वाले का सेल सस्पेंशन डाल देना है, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा भी है, एड वन ड्रॉप ऑफ सेल सस्पेंशन ऑफ, है ना, क्या करना है, एक ड्रॉप आपको सेल सस्पेंशन डाल देना है, उसके बाद इसमें दो ड्रॉप पेशेंट का सीरम डाल देना है, पेशेंट का सीरम, दैट मीन्स जो सैंपल आपने पेशेंट से कलेक्ट किया है, तो क्या करेंगे, इसमें दो ड्रॉप पेशेंट का सीरम डाल देंगे। बात ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है, इसमें दो ड्रॉप पेशेंट का सीरम डाल देंगे और सीरम डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से, तो इसमें मिक्स हो जाएगा ये सब, ठीक है, अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको इनक्यूबेट करेंगे, और इनक्यूबेट कितने देर के लिए करेंगे, एक घंटे के लिए, कितने देर के लिए, एक घंटे के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे इनक्यूबेटर में। एक ड्रॉप ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का सेल सस्पेंशन और दो ड्रॉप पेशेंट का सीरम ऐड करके मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद एक घंटे के लिए इसको इनक्यूबेटर में रख देंगे 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। इंक्यूबेट होने के बाद, वहां से जब इंक्यूबेट हो जाएगा, उसको निकाल के लाएंगे, क्या करेंगे, यहां से इंक्यूबेटर से इसको निकालेंगे और उसके बाद इसकी वाशिंग करेंगे, वाशिंग नॉर्मल सलाइन में करेंगे। वाशिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये आपने इंक्यूबेट करके ले आया, इसमें एक ड्रॉप रेड सेल सस्पेंशन था और दो ड्रॉप सीरम था, तो अब क्या करेंगे, इसमें लगभग 1 ml, कितना, 1 ml सलाइन डाल देंगे, सलाइन का मतलब नॉर्मल सलाइन, ठीक है, नॉर्मल सलाइन डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसका जो सुपरनेंट होगा, सुपरनेंट का मतलब ऊपर वाला पार्ट, उसको डिस्कार्ड कर देंगे, क्या करेंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे और सेल नीचे रह जाएगा। फिर दोबारा से इसमें नॉर्मल सलाइन डालेंगे 1 ml, फिर से इसको अच्छे से सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद फिर से सुपरनेंट डिस्कार्ड कर देंगे और अगेन इसमें नॉर्मल सलाइन डालेंगे 1 ml, अगेन मिक्स करेंगे और अगेन डिस्कार्ड कर देंगे। मतलब 3 times इसकी वॉशिंग करनी है, 3 times इसको वॉश करना है नॉर्मल सलाइन से। तो वॉशिंग आपको समझ में आएगा क्या करना है, कि इसमें 1 ml नॉर्मल सलाइन डालना है, अच्छे से मिक्स करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है 3000 RPM पे, 3000 RPM पे, कितने देर के लिए, 5 minutes के लिए एक बार में, ठीक है। 1 ml NS डाला, नॉर्मल सलाइन डाला, मिक्स किया अच्छे से, सेंट्रीफ्यूज किया, डिस्कार्ड किया, ऐसे ऐसे 3 times इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो पूर्ण रूप से जब वास हो जाएगा, जब इसमें से पूर्व सीरम और भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो रिमूव हो जाएगी, जब निकल जाएगी, तो अब क्या होगा, इसमें सिर्फ सेल बचेगा, ठीक है। लास्ट टाइम में जब आपने इसको 1 ml NS डाला, तो NS डालने के बाद इसको सेंट्रीफ्यूज आपने किया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सुपरनेंट जो वाटर है उसको डिस्कार्ड कर दिया, तो नीचे बचा सिर्फ सेल। अब जब इसमें सिर्फ सेल बचेगा, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, इसमें जब सिर्फ सेल बचेगा, आपने सुपरनेंट डिस्कार्ड कर दिया, अब क्या करना है आपको, इसमें 2 drops एंटी ह्यूमन सीरम डाल देना, क्या करना है, 2 drops एंटी ह्यूमन सीरम डालना है। एंटी ह्यूमन सीरम इसमें ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर देंगे, ठीक है, एंटी ह्यूमन सीरम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे और उसके बाद 5 minutes फिर से इसको इनक्यूबेट करेंगे, 5 minutes 37 degrees Celsius पे फिर से इसको इनक्यूबेट करेंगे, मतलब 5 minutes फिर इंतजार करेंगे, उसके बाद इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करिए, लेकिन इस बार जो सेंट्रीफ्यूज करना है वो 1500 RPM पे ओनली करना है, कितना, 1500 RPM पे और सिर्फ 1 minute के लिए। जब आप सेंट्रीफ्यूज कर देंगे, उसके बाद इसका ऑब्जर्वेशन करना है, ऑब्जर्वेशन,
ऑब्जर्वेशन का मतलब इसको देखना है, और ऑब्जर्वेशन इसका माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक दोनों लेवल से करना है। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक का मतलब है कि पहले इसको आपको अपनी आंखों से देखना है और फिर माइक्रोस्कोप में देखना है। और देखना क्या है, देखना यह है कि क्या यहाँ पे कोई एग्लूटिनेशन होता है, क्या देखना है एग्लूटिनेशन। अगर यहाँ पे एग्लूटिनेशन हो जाता है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे एग्लूटिनेशन होता है तो इसका मतलब है पेशेंट के सीरम में क्या है, पेशेंट के सीरम में एंटी डी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी डी प्रेजेंट है, ठीक है। दैट मीन्स पेशेंट के सीरम में एंटी डी पाया जा रहा है तभी एग्लूटिनेशन हो रहा है। और अगर एग्लूटिनेशन अब्सेंट है, नहीं पाया जाता, तो इसका मतलब है कि पेशेंट का जो सीरम है, पेशेंट सीरम में एंटी डी जो है क्या, एंटी डी वो क्या है, अब्सेंट है, ठीक है। अब आपको समझ आई बात कि अगर एग्लूटिनेशन आता है तो पेशेंट की बॉडी में एंटीबॉडी डी, पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी डी प्रेजेंट है, और अगर एग्लूटिनेशन नहीं आई तो पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी डी नहीं है। और आपने किया क्या था, एंटीबॉडी डी ही तो डिटेक्ट कर रहे थे। अगर हम समरी की बात करें कि हमने कहा था कि क्यों किया जाता है कूम्स इनडायरेक्ट टेस्ट, क्यों किया जाता है कूम्स इनडायरेक्ट टेस्ट, किया जाता है पेशेंट के सीरम से एंटीबॉडी फाइंड आउट करने के लिए। दैट मीन्स पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी डी है या नहीं है। तो अगर एग्लूटिनेशन आ गया तो एंटीबॉडी डी है, और अगर एग्लूटिनेशन नहीं आया तो एंटीबॉडी डी नहीं है। तो ये बेसिकली कूम टेस्ट रहा। अब आप आगे समझ